नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको पनीर के दो तरह से पराठे बनाना बताएंगे। एक सूखा सेक करके बटर लगा के और एक तेल लगा करके बताएंगे। चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर का पराठा बनाने के लिए हमने 400 ग्राम पनीर लिया है। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और स्टफिंग के लिए पनीर में डालने के लिए हमने ये लहसुन लिया है, अदरक है, हरी मिर्च है और प्याज है, पांच प्याज है। हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं और थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने ली है। गेहूं का आटा हमने लिया है और इसमें एक कटोरी से थोड़ा सा कम हम बेसन डालेंगे। आप बेसन न चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। इसमें अजवाइन हम क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा हम कलौंजी डालेंगे और हल्का सा नमक हम आटे में डालेंगे, एक छोटे चम्मच से एक चम्मच, और तीन बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। सबको इस तरह से मिला करके हम सबसे पहले आटा गूंथ के रख लेंगे, जिससे डो हमारा 10 मिनट में सेट हो जाए। उसके बाद हम पनीर के लिए मसाला तैयार करेंगे। पहले हम आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। आटा हमें सामान्य पानी से ही गूंथना है, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हमें रोटी के इतना मुलायम आटा सानना रहेगा। फ्रेंड्स, आटे को आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके गूंथिए, क्योंकि आटा गीला नहीं होना चाहिए। एक बार आटा गीला हो जाता है तो फिर अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मुलायम आटा हमें सानना है। इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। जब हमारी थाली में से पूरी तरह से आटा चिपकना बंद हो जाएगा तो समझिए परफेक्ट आटा गूंद चुका है। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटे को हम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक हमारा डो सही हो जाएगा। इसके बाद हम पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इन सब चीज़ों को, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा, सभी चीज़ों को हम बारीक चॉपर में या चाकू की सहायता से काट लेंगे। बहुत ही बारीक हमें काटना है इसको। फ्रेंड्स, धनिया, मिर्चा, अदरक, प्याज सब कुछ हमने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हम इसको पनीर में डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे। और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पनीर का पराठा बनाने में हमें मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ बनाने में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर हरी चीज़ें पड़ें, जिससे उसकी पौष्टिकता पूरी तरह से बनी रहे। मसाले हमारे मिल गए हैं।
अब हम आटे की तरफ चलते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है। एक बार इसको हम फिर से मसल लेंगे। इतने पराठे बनाने के लिए जितनी पनीर हमने ली थी, ये आधा किलो के लगभग आटा है और एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन है। यह आपके ऊपर है कि स्टफिंग आप ज़्यादा भरते हैं या कम भर के पतला पराठा बनाते हैं, उसी हिसाब से आटा दे सकते हैं। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे। ये थोड़ा हमने सूखा आटा लिया है पराठा बेलने के लिए। हम दो तरह से पराठा बनाएंगे, एक तो रिफाइंड लगा के बनाएंगे तवे पर और एक सूखा सेकेंगे ऊपर से बटर लगाएंगे। सबसे पहले हम आपको सूखा पराठा बना के बताते हैं, ऊपर से बटर लगाएंगे। आटे से हमने इतनी बड़ी लोई ले ली है, इसको हल्का सा बेल लेंगे। अब हम इस पे पनीर मसाला रखेंगे। अच्छे से हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से भरते हुए हमें ऊपर के आटे को निकाल देना है। और इसे ऐसे उंगलियों की सहायता से दबाना है जिससे स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे। पहले हम उंगली की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे, उसके बाद हल्का सा बेलन चला देंगे। आप चाहें तो पराठा पतला भी बना सकते हैं, मोटा भी बना सकते हैं। किनारा हमें हल्का सा दबा देना है जिससे किनारे की तरफ पराठा मोटा ना हो। अब हम तवे की तरफ चलते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया है। इस पर हम पराठा डाल देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसे बनाना है क्योंकि तेज़ आंच पर पराठा अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा। इस पराठे को हम आपको सबसे पहले सूखा सेक के बताएंगे। अब हम पराठे को पलट देंगे। गैस हमें मीडियम ही रखना है। जब तक ये पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा बेल लेते हैं। आटे से हम थोड़ा सा लोई ले लेंगे, एक अमरूद के बराबर, बड़े अमरूद के साइज़ का हमें लेना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना ही मोटा हमें रखना है। इस तरह से भरावन हम इसमें भर लेंगे और इसको ऐसे मोड़ते हुए हम एक अंगूठे की सहायता से अंदर दबाते हुए ऐसे मोड़ देंगे। उसके बाद सभी को एक साथ यहाँ से शुरू करेंगे, इसको सभी को एक साथ मिला देंगे। एक्स्ट्रा आटा हम ये निकाल देंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे। उसी तरह से इसे भी हमें
उंगलियों की सहायता से फैला लेना है, जिससे स्टफिंग अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। दोनों तरफ से हमें करना है ये। अब हम इसे हल्का सा बेल देंगे। हमने भरावन ज़्यादा भरा है, इसलिए हम बहुत पतला पराठा नहीं बना रहे हैं। किनारा इसका हम इस तरह से करके पतला कर देंगे। अब हम तावे की तरफ चलते हैं। पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। इसको आप चाहें तो मोटी रोटी भी कह सकते हैं पनीर की, क्योंकि इसमें बटर हम ऊपर से लगाएंगे। थोड़ा सा गैस हम तेज कर रहे हैं। तवा हम एक साइड में करेंगे और इसको सेक लेंगे, और तब तक तवा पर हम अपना दूसरा पराठा डाल देंगे। इसको हमें इस तरह से सेकना है। गैस का फ्लेम बहुत ही धीमा करना है। पीछे की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें अच्छे से क्रिस्पी सेक लेना है। थोड़ा सा टाइम इस तरह से पराठा बनाने में लगता है, लेकिन इस तरह से बना हुआ पराठा बहुत ही हेल्दी होता है। पराठा हमारा सिक चुका है, इसको हम हटा देते हैं और गैस पर हम तवा रख देंगे। इसको भी हम पलट देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज करेंगे थोड़ा। पराठे में हम ऊपर से रिफाइंड लगा रहे हैं, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। हम मूंगफली का तेल लगा रहे हैं। इसको धीमी आंच पर हम अच्छा सा सेक लेंगे क्रिस्पी। फ्रेंड्स, पराठा हमारा बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी पराठा बना है। इसको हम पलट करके भी निशान लगा देंगे, जिससे अच्छे से कट जाए। अब हम सूखे वाले पराठा को आपको दिखा रहे हैं। इस पराठे को भी हम इस तरह से काट लेंगे। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इसको पीछे की तरफ से बहुत ही अच्छा सेकना है। अब हम इसमें अच्छे से बटर लगा देंगे। इस पराठे को भी हम प्लेट में रख लेते हैं। ये दो तरह के पराठे हमने बनाए हैं, एक ये सूखा सेक करके बटर लगा के, और एक ये मूंगफली के तेल से हमने बनाया है। फ्रेंड्स, पराठों की हमने प्लेटिंग कर ली है। इस तरह से हम सभी पराठे बना लेंगे। जितना हमने स्टफिंग लिया था और जितना आटा लिया था, उतने में चार लोगों के पराठे आराम से बन जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से
पराठे अच्छे से भरे हुए हैं और ये हमने जो तेल लगा के सेका है वो भी अच्छे से भरा है। तो इस तरह से आप पनीर के पराठे बनाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, चटनी से पराठे को एंजॉय करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।